Hey folks, welcome to our channel FinRivers. ये है episode number 7 of financial literacy, जहां हम discuss कर रहे हैं nominee. Nominee कौन होता है? Nominee इतना important क्यों है? Nominee को add क्यों करना चाहिए? और nominee का process इतना critical क्यों है? ये सब हम discuss करेंगे. Okay, nominee. Nominee एक ऐसा person होता है जो आपके wealth को और आपके प्रोसीड्स को रिट्रीव करने का काम करता है तब जब आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई होती है. ओके, अगर आपने अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में नॉमिनी को ऐड करके रखा है तो नॉमिनी का आपके वेल्थ को रिट्रीव कर पाना सिंपल प्रोसेस हो जाता है. लेकिन अगर आपने अपने वेल्थ में नॉमिनी को ऐड नहीं किया है तो ये अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. ओके, अगर आपने कोई एफडी ली है, अगर आपने म्यूचुअल फंड लिया है, इंश्योरेंस लिया है, शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आपका सिंपली एक बैंक अकाउंट है या फिर बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो उसमें एक कॉलम हमेशा हमेशा इन द सेंस ज्यादातर ब्लैंक होता है. वो सेक्शन होता है नॉमिनी का. क्यों ब्लैंक होता है? ये सबके अपने अपने रीजंस हैं, जबकि ब्लैंक होना नहीं चाहिए. ओके, नॉमिनी कोई भी हो सकता है. नॉमिनी आपका फर्स्ट रिलेटिव हो सकता है, पेरेंट्स, स्पाउस, किड्स या फिर सिब्लिंग्स. इनमें से कोई भी आपका नॉमिनी हो सकता है. ओके, नॉमिनी कौन होता है? नॉमिनी एक ऐसा पर्सन है जिसको आपने अपने इन्वेस्टमेंट में, अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में ऐड करके रखा हुआ होता है, लिस्ट करके रखा हुआ होता है. ओके, जिसका काम होता है आपके वेल्थ को, आपके प्रोसीड्स को क्लेम करना, रिट्रीव करना, रिसीव करना तब जब आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई होती है. ओके, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स फीचर देते हैं मल्टीपल नॉमिनी को एलोकेट करने का, स्पेसिफिक परसेंटेज एलोकेट करने का. ओके, जिसमें आप अपने वेल्थ का स्पेसिफिक परसेंटेज इस नॉमिनी को, फिर अलग परसेंटेज इस नॉमिनी को एलोकेट कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं. ओके, अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपके सारे नॉमिनी के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ठीक है, व्हाई टू नॉमिनेट समवन? हमें नॉमिनेट करना क्यों है? हमें नॉमिनेट इसलिए करना है क्योंकि अगर आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, अगर आपके एफडी में, अगर आपके म्यूचुअल फंड में, अगर आपके इंश्योरेंस में, अगर आपके शेयर्स में, आई मीन डीमैट अकाउंट में, या फिर आपके बैंक अकाउंट में अगर नॉमिनी ऐड होता है तो आपके लव्ड वंस के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस हो जाता है आपके ओनरशिप को क्लेम कर पाना. ओके, उन्हें लिमिटेड नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं और वो बहुत ही इजी वे में मनी को रिट्रीव कर पाते हैं. ठीक है, लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आपने अपने नॉमिनी को ऐड नहीं कर रखा है अपने एफडीज में, अपने म्यूचुअल फंड में, अपने इंश्योरेंस में, जो भी आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में है, उसमें अगर आपने नॉमिनी ऐड नहीं किया हुआ है तो उस सिचुएशन में ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. आपके लव्ड वंस को एक मेंटल टॉर्चर का सामना करना पड़ता है, वो भी तब जब वो ऑलरेडी एक सैड फेज से गुजर रहे होते हैं. ओके, वैसे देखा जाए तो हम अपने वेल्थ क्यों क्रिएट करते हैं? हम अपने लव्ड वंस के लिए ही अपनी वेल्थ क्रिएट करते हैं, उन्हें फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए. लेकिन अगर हमने नॉमिनी ऐड नहीं किया है तो क्या अपने लव्ड वंस को फाइनेंशियली सिक्योर करने का जो पर्पस है हमारा, वो सॉल्व हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं. तो इस सिचुएशन में अपनी लाइफ के 5 मिनट्स निकाल करके आप प्लीज नॉमिनी को ऐड करिए, ताकि आपके ऐसी सिचुएशन में आपके लव्ड वंस को, आपकी वेल्थ को, आपकी वेल्थ और आपके मनी को रिट्रीव कर पाना एक सिंपल प्रोसेस हो, ना कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो. नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, जैसे जैसे डेथ सर्टिफिकेट, जैसे सक्सेशन सर्टिफिकेट, जैसे विल या फिर कोर्ट के ऑर्डर्स. ओके, सो इस लेंथी प्रोसेस को, इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को इजी क्या बनाता है? इजी बनाता है आपका नॉमिनी ऐड करना. ओके, नॉमिनेशन इतना क्रिटिकल क्यों है? नॉमिनेशन इतना क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि हम और आप जैसे लोग जो सिर्फ वेल्थ क्रिएट करने में ही लगे होते हैं, नॉमिनी को ऐड करना भूल जाते हैं.
ओके, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट गवर्नमेंट के पास है, जिनकी ओनरशिप डिबेटेबल है, जिनकी नॉमिनी की कोई डिटेल नहीं है। नो डाउट बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो इफेक्ट करते होंगे, लेकिन नॉमिनी ऐड ना करना भी एक इसका रीजन है। बहुत बहुत सारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत लेंथी प्रोसेस है जो हमारे लव्ड वंस को फेस करना पड़ता है। ओके, ये डेटा लिया है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड की एनुअल रिपोर्ट से। ये एनुअल रिपोर्ट है 2018-19 की। ये डेटा क्या बता रहा है? ये डेटा बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स गवर्नमेंट के पास पड़े हैं जिसकी ओनरशिप गवर्नमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है। अब ये ओनरशिप ओरिजिनल ओनरशिप की भी हो सकती है, नॉमिनेशन डिटेल ना होने की भी हो सकती है, और भी सारे फैक्टर्स होंगे जो इस डेटा को इन्फ्लुएंस्ड करते होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स ट्रांसफर्ड बाय कंपनीज टू आईईपीएफ एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 47,29,51,647। ये 17-18 का क्लोजिंग बैलेंस होगा जो 18-19 का ओपनिंग बैलेंस बन गया है। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स ट्रांसफर्ड बाय कंपनीज टू आईईपीएफ ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि अपार्ट फ्रॉम 47 करोड़ 17 करोड़ समथिंग शेयर नए आए हैं ड्यूरिंग द ईयर 18-19। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स रिफंडेड बाय द आईईपीएफ ड्यूरिंग द ईयर 5,771, यानी कि 5 लाख अप्रोक्स शेयर्स ही गवर्नमेंट ओनरशिप आइडेंटिफाई कर पाई है। ओके, 5 लाख शेयर्स ही रिफंड कर पाई है। सोचिए कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा ये। नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल इन द आईईपीएफ एट द एंड ऑफ द ईयर 64,82,11,382। ये क्लोजिंग बैलेंस बना 2018-2019 का। अगर ये डेटा 2019 का है, 31 मार्च 2019 का है, तो ये सिचुएशन पेंडेमिक के पहले की है। आप सोचिए 2019 की सिचुएशन जिसमें हमने कोविड-19 को फेस किया था, उन सारे लोगों की वेल्थ का क्या हुआ होगा जिनके साथ एक्चुअली मिस हैपनिंग हुई है? क्या उन्होंने नॉमिनी ऐड की थी? ये एक सोचने वाली बात है। ओके, एक रीसेंट केस स्टडी है क्लेम फॉर ओनरशिप का, मिस्टर बाबू जॉर्ज वाला भी, जिनका 2% से ज्यादा का स्टेक था पीआई इंडस्ट्रीज में, कब? 43 इयर्स पहले, जिनकी आज की वैल्यूएशन 1400 करोड़ के भी ऊपर है। ओके, उनकी ओनरशिप डिबेटेबल है मिस्टर बाबू जॉर्ज वाला भी से भी और पीआई इंडस्ट्रीज के बीच में। मिस्टर बाबू जो इस दुनिया में अभी एग्जिस्ट करते हैं, फिर भी उनका ओनरशिप का प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स, इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है, तो नॉमिनी का क्या? थिंक ट्वाइस एंड एड योर नॉमिनी। बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में नॉमिनी को ऐड करें, बहुत जरूरी है। ओके, फिनरेबस ये जानता है कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके हार्ट बीट्स को बढ़ा रहा है। ये अपने आप में ही बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन फिनरेबस का पर्पस है लोगों को फिनेंशियली अवेयर करना। आप फिनरेबस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके, ताकि इसी तरह के एपिसोड्स आपके सामने आते रहें और आप गेट नोटिफाई होते रहें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां इसी तरह के अवेयरनेस वाले एपिसोड्स के साथ हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हेल्दी रहें, वेल्दी रहें और नॉमिनेट करते रहें। ओके।